गाइस वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सो गाइस कल बांध था जैसा आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा। सो आज बारी है दहेज की। दहेज दिखेगा अब आप दहेज से ही मतलब कुछ लोग जिनको जो हरियाणा से नहीं है, यूपी राजस्थान हरियाणा इन लोगों को सबको मालूम है दहेज का। वैसे तो दहेज सबको ही मालूम है, डॉवरी वो वाला नहीं है लेकिन सबको ही मालूम है, सब देते हैं बेटे की शादी में, ठीक है। तो दहेज, अब नाम ही दहेज है तो मैं वही लूंगी, ठीक है। दहेज इन द सेंस, आज बहुत सारे जो भी कपड़े होते हैं लड़की के और लड़के वालों के, ठीक है, जो हमें देने हैं, तो सारा आज पूरा नीचे दिखाया जाएगा। पूरे मोहल्ले वाली आएंगी, लेडीज सब लोग आएंगे, अड़ोस पड़ोस से सब देखेंगे, ठीक है। और आप लोग भी देखोगे वीडियो के जरिए, ठीक है। और हाँ, ये कपड़ा लत्ता चावल ये सब हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक रहता है, जो फर्नीचर रहता है, वो ऑलरेडी जा चुका है, ठीक है। और जो थोड़ा बहुत बचेगा वो अभी जो दिखाएंगे नीचे वो जाएगा लगन में, समझ गए आप लोग। ऑनलाइन हमने सारा डिजिटल भेज दिया है मीनू के घर पे, और जो फर्नीचर है वो भी जा चुका है, बस बचा है तो ये सारे कपड़े जो कि संदूक में पैक होके लगन वाले दिन जाएंगे, यानी कि कल, ठीक है, कल जाएगा लगन। लगन में हम सब लोग जाएंगे, ठीक है। और मेरी तबीयत ठीक नहीं, आप लोग देख ही रहे होंगे, मैं यहाँ बैठी हूँ रूम में, कोई नहीं है, सब नीचे ही गए हुए हैं। मैं अपना कंबल में लेटी हूँ, रेस्ट कर रही हूँ, तो 2 दिन पूरा बेड रेस्ट है मेरा, बिल्कुल नहीं हिलना है। सो मैं अभी ऊपर से ही ब्लॉग स्टार्ट करके दे रही हूँ इन लोगों को, क्योंकि मैंने भी मीनू को कुछ दिया है थोड़ा बहुत, क्योंकि आप लोगों को मालूम है मीनू पुणे रहती थी हम लोगों के साथ ही, तो मेरा फर्ज भी बनता है और मैं उसे प्यार भी करती हूँ, तो काइंड ऑफ गिफ्ट ही समझिए, दहेज नहीं, ठीक है। तो मैंने रिक्वायर्ड एसेंशियल्स बोलते हैं उसको, दहेज रिक्वायर्ड में रिक्वायर्ड एसेंशियल्स। हाँ जी, रिक्वायर्ड असेंशियल्स, ठीक है। वो एक प्यार ही होता है, मतलब हमने दहेज तो बहुत अलग हो जाता है, लेकिन वैसे भी सब लोग ही देते हैं, सबको मालूम है हम कोई उसको। तो मैं अभी आप लोगों को वो दिखा देती हूँ जो मैंने मीनू को गिफ्ट किया है अपनी तरफ से। मैंने सेम पूनम को भी दिया था, बट पूनम को थोड़ा सा ज़्यादा दिया था, क्योंकि एक घरवे की रस्म होती है जो या तो भाभी करती है या फिर कोई और भी कर लेता है, ठीक है। लेकिन पूनम के टाइम पे मैं भाभी, मतलब मैं ही थी और कोई नहीं था, तो मैंने किया था। लेकिन अभी मीनू के टाइम पे वो रस्म कर रही है पूनम, यानी कि उसमें 5 ज्वेलरी होती है, 5 कपड़े साड़ी वगैरह होते हैं, ऐसे करके देना होता है अपनी इच्छा से, ठीक है। वो एक अलग से रस्म होती है, मैं आपको दिखाऊंगी। गरबा होता है स्पेशली, एक रस्म टाइप होता है, वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिल ही जाएगा, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ। तो मैंने गरबा नहीं डाला है, मैंने जस्ट अपनी तरफ से गिफ्ट दिया है मीनू को, वो मैं दिखा देती हूँ, ठीक है, बैक कैमरा करके। ये है कुर्ती विद प्लाजो सेट, और इसके साथ दुपट्टा भी है अंदर ही, ठीक है। तो ये उसी उसका मतलब उसकी खुद की चॉइस से दिलवाया था मैंने, ले जाके मैंने उसको अच्छे से उसकी अल्टरेशन वगैरह सब कुछ करवा के ही दिया है, ठीक है। और एक ये सेकंड, ये भी बहुत हैवी है काफ़ी, तो ये शायद लॉन्ग फ्रॉक सूट है अनारकली जैसे, ठीक है, नीचे भी प्लाजो है और दुपट्टे के साथ है, ठीक है, काफ़ी हैवी है ये, अभी चला हुआ है सीक्वेंस वर्क सब में। तो ये 2 सूट हैं, और एक ये स्वेटर है, ठीक है, और फिर है ये साड़ी, ये भी काफ़ी हैवी है ब्लाउज के साथ, मैंने इसका पूरा ब्लाउज स्टिच करवा के दिया है, मतलब मैंने पहले ही इसका वो ले लिया था, ऑन व्हाट्सअप करवा लिया था इसका पूरा साइज मेजरमेंट, तो मैंने यहीं रोहतक से ही इसको सिलवा के, इधर दुपट्टे पे ऐसे लटकन है, बहुत ही प्यारी साड़ी है, येलो मस्टर्ड येलो, और इसका कॉन्ट्रास्ट में ब्लाउज है, ठीक है। तो काफ़ी प्यारा है, काफ़ी हैवी साड़ी है। तो ये है, और एक ये बेडशीट है, बेडशीट दी है मैंने एक ये, ठीक है। सो टोटल मतलब 5 करना था मेरे को, 5 हो गया है, 3 सूट हो गए, एक और था ना सूट नीचे, ये रहा एक सूट और था, ये अनस्टिच है, मतलब ये खुद से सिलवा लेगी बाद में अगर इसको सिलवाना होगा तो, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी हो गए थे इसके पास सिले हुए भी वैसे भी, और साड़ी भी मैंने इसको रेडी करवा के ही दी है, ठीक है, ये बाद में सिलवा लेगी अगर इसको पसंद होगा, नहीं तो इसको काम आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें मैंने करी हैं, 3 सूट, एक साड़ी और एक बेडशीट, और एक ये मैंने गोल्ड की चेन करवाई है विद लॉकेट, सेम मैंने पूनम का करा था, पूनम की शादी में सेम मैंने लॉकेट बनवाया था, उसके हस्बैंड का नाम पुरुषोत्तम है, तो उसका पी का लॉकेट था जरकन में, इसका प्रॉपर गोल्ड में है, ठीक है, एंड नीतीश नाम है उसके हस्बैंड का। तो ये कुछ 7 ग्राम की है, आधा आधा तोला से ऊपर, ठीक है। तो एक ये लॉकेट उसके लिए बनवाया है मैंने, तो बस ये एक गिफ्ट था छोटा सा मेरी तरफ से मीनू के लिए, ये हो गया उसका। और
और ये यहाँ पे मम्मी लोगों के लिए भी मैंने थोड़ी सी शॉपिंग करी थी अपनी तरफ से। तो ये मम्मी और मौसी की एक जैसी साड़ी, ये कॉफ़ी कलर है ठीक है, और वो ग्रीन कलर है ठीक है। तो ये दो साड़ी हैं मौसी और मम्मी की एक जैसी, तो वो दोनों को जौन सी पसंद आएगी वो दोनों ले लेंगे। और एक साड़ी है पूनम की, और मैं मेरी लेके आई थी सेम, मेरा पिंक कलर है पूनम का, ये ग्रे ग्रे कलर है, ग्रे के साथ इसका पर्पल है कि पता नहीं कौन सा कॉम्बिनेशन का ब्लाउज है, इसमें भी ऐसे साइड में पल्लू में लटकन है ठीक है। तो मैंने तो रेडी करवा ली है, मैं अभी बीच में किसी फंक्शन में डालूंगी, नहीं तो फिर बाद में आप लोगों को दिखा दूंगी सब में। ये अभी आया है मार्केट में जस्ट, इसका ब्लाउज बहुत यूनिक था, बेल्ट वाले ब्लाउज आए हैं अभी ठीक है। और ये लटकन बहुत ही प्यारी लग रही, काफ़ी हैवी लटकन लगी हुई है दुपट्टे के नीचे। और तो ये सब था मेरी तरफ से मीनू के लिए। मीनू यहीं पर खड़ी है, मैं आपकी बात भी करवा देती हूँ उसको कैसा लगा। और ये फ़ोन अभी नीचे जाएगा, मैं यहाँ पर रेस्ट करूँगी, सो पता नहीं वो लोग वीडियो बनाएंगे कैसी बनाएंगे, मुझे में वॉइस एडिट करनी पड़ेगी और काफ़ी सारा देखने को मिलेगा नीचे। वो उन पे डिपेंड करता है कि वो कैसे दिखाएंगे, मेरे को मालूम है कि कैसे दिखाना है कितना दिखाना है, बट उनको नहीं मालूम, वो कमेंट्री भी कर देते, लेकिन फिर भी मैं उनको पता नहीं होता कि मैं पूरा कट कर देती हूँ और मैं अपनी वॉइस एडिट करती हूँ ठीक है। पहले मीनू खड़े, मीनू से मिलवा दे, तो हमारी ब्राइड वुड बी ब्राइड होने वाली दुल्हन ठीक है। हाँ कैसा लगा भैया आप तक को? भाभी को मेरी चॉइस पता है कैसा पसंद है कैसा नहीं, इसलिए सब बेस्ट है, सब बेस्ट है। लोकेट कैसा लगा? बेस्ट इसको मालूम था, मेरे को पता होता है कि ये हल्की हल्की चीज़, जैसे मैंने अभी डाला हुआ है ना गले में ये गणेश जी का, तो ये कैसा होता है ना डेली में हम पहने रखते हैं, मतलब ज़्यादा हैवी ताम झाम नहीं पहना होता, तो इसके इसी वही सोच के मैंने सिर्फ एक ही गिफ्ट दिया है इसको, पायल वायल कुछ नहीं एक्स्ट्रा। तो साड़ी वाड़ी सब अच्छा लगा इसको, इसको मेरी तरह ताम झाम नहीं चाहिए, हल्का चाहिए बट सुंदर होना चाहिए ठीक है। वही मैंने इसको गिफ्ट किया, आप लोगों ने देखा होगा साड़ी भी छोटे छोटे बुट्टे हैं, बहुत प्यारी साड़ी है। हाँ पीछे आ गए वो ठीक है। तो अभी नीचे लेके जाएंगे ये फ़ोन, यही बनाएंगे वीडियो, शुरू हो गया शुरू ठीक है। तो ये लेके जाएंगे आप लोग देख लेना ठीक है, और कमेंट कर दिया करो प्लीज़। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बना रही हूँ, सोचो इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रही हूँ कहीं ना कहीं से ठीक है। तो कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो वीडियो को ठीक है। ये है आज हम दिखा रहे हैं मीनू का सामान जो उसके साथ जाने वाला है, एक काइंड ऑफ दहेज लगा लो, चाहे उसके गिफ्ट्स लगा लो हमारी तरफ से मीनू के ससुराल वालों के लिए। तो ये मीनू की सास का साड़ी पी लिया है, ये उसकी ननद की साड़ी पी लिया है, ये उसकी चाची सास के दोनों साड़ी, ये उसकी दादी सास का साड़ी पी लिया है, और ये मीनू की जेठानी की साड़ी है, और ये मीनू की बुआ सास की साड़ी है, और ये उनके चूड़े हैं साड़ियों के साथ में, ये उनके पितरों का है, ये दादी मीनू की सास की साड़ी और शॉल एक और ये उनकी दादी सास की बहन का सूट, और ये उनके ये उन्होंने मंगवाए थे दो उनके सूट, और ये पीलियों के साथ, ये पीलियों के साथ उनकी साड़ियाँ, और ये उन मीनू के ससुराल वाले जो रिश्तेदार हैं उनकी 15 साड़ी, और ये 15 सुपारी सूट। उधर मीनू की चप्पलें जो इनकी इसके ससुराल से आई थी वो, ये शूज डिपार्टमेंट, हाँ ये शूज डिपार्टमेंट है जो मीनू के सास का आनंद को उनकी जाएंगी वो, और मीनू की जो है ये हमारी भाभी ने मीनू की करी है 5 सूट साड़ी, और उधर चद्दर है ऊपर भाभी ने करी है, नीचे हमारी तरफ से है कंबल, कंबल ये बड़ा क्या है, ये ब्लैंकेट है मीनू का, ये मेरे ससुराल से मीनू का दिया है, ये मेरी मौसी सास ने दिया है, ये मेरी सास की तरफ से है, ये मेरी तरफ से है, और ये मेरी छोटी ननन मीनू दी की तरफ से साड़ी, ये मेरी बड़ी ननन उनकी तरफ से मीनू की साड़ी है, 51 सूट साड़ी हमारी तरफ से, और ये 51 सूट साड़ी जो उधर रखे हैं और ये मीनू के हैं हमारी तरफ से, जो उसके रेडी भी हो रखे है, कुछ रेडी नहीं है और कुछ रेडी हो रखे है, ये उसके साथ के चूड़े, वो पिलोज हैं हमारी तरफ से मेहरून वाले, और ये सारी सूट साड़ी मीनू की आई थी ससुराल से, जो उसके सगाई में सिंधारे में जो भी उसका सामान आया था ये वो है,
और ये हमारी तरफ से उसका झूमर और ये बिंदरवाल है। और ये मेकअप किट, ये मेकअप किट उनके ससुराल से मीनू की सगाई में आए थे। ये मीनू की साड़ी है, मीनू की दादी ने करी है। मीनू की दो साड़ी हमारी दादी माँ लगा लो, हम माँ बोलते हैं उनको। और ये जो भी सामने देखने आता है सामान मीनू का, वो सब अपनी तरफ से सूट साड़ी रख के जाते हैं, गिफ्ट करते हैं। ये वो सामान है। ये है अब ज्वेलरी डिपार्टमेंट। ये भाभी ने चेन मीनू की बनवाई है। ये पांच टूम, ये एक मैं लेके आई हूँ मेरी तरफ से मीनू के लिए। ये कान के हैं, ये पायल चुटकी, इसमें नाक का कोका है एक। ये हमारी माँ ने करी है मीनू की, पायल चुटकी और एक नाक का कोका। और ये एक हम परिवार में दादी हैं, वो दे के गई हैं। एक वाह भी दिल से बता रही थी। और ये होने वाले दामाद की वॉच, ये चांदी का ग्लास। और ये है उनके आगे देने वाली ज्वेलरी, ये मीनू का सेट है, उसके साथ में ये रिंग है, ये उसकी पायल है, ये मीनू की पायल है, ये मीनू की तागड़ी है, ये लक्ष्मी गणेश मीनू के साथ जाएंगे, ये चांदी का नारियल है जो टिक्के पे दिया, जो टिक्के पे दिया जाएगा नारियल रुपए। चार अंगूठी, ये चार अंगूठी है मीनू के ससुराल में, मौसा जी, उसका नंदोई जेठ, और वो है नीतीश की, एक चांदी की एक सोने की, दो अंगूठी आ जाएंगे। और ये कान के मीनू के सास के, मीनू की ननंद के, और ये दादी सास के। और ये एक हल्की पायल मीनू की डेली यूज के लिए, ये एक भारी वाली पायल थी कोई फंक्शन में पहनने के लिए। मीनू की सगाई में आई थी, मीनू के ससुराल वालों ने डाली थी मीनू की चेन, उसकी ये पायल, और इसमें इसका नाक का कोका है। तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। ये मीनू का जो सामान है, ये अब हम कल लेके जाएंगे मीनू के लगन में, जो हम उनके ससुराल वालों को देंगे। राधा सामान, इसके बर्तन वगैरह सब हमने दिल्ली में अंकल के रूम में रखे हैं, तो वो वहां से हम लेके मीनू के संदूक में डाल के वो उनको दे देंगे। और ये पापा बैठे हैं, जिस दिन शादी होती है गाँव वाले उस दिन लड़की के कन्यादान करते हैं, लेकिन क्योंकि शादी दिल्ली में है इसलिए आज ही लोग यहाँ पर जहाँ दहेज देखा जा रहा है वहाँ पर कन्यादान डाल के जा रहे हैं। मैं लिख रहा हूँ, पैसे साथ में ले रहा हूँ। ये पैसा लिस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, और मेरे को भी देके जा रहे हैं, वो अलग से बैग है, मम्मी का बैग है। सब साड़ियों के ऊपर पैसा भी देके जा रहे हैं गांव की औरतें, वो बैग है मेरा। ठीक है, चलो।